मोतिहारी में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी से 10 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। मामला गोड़ा सहन थाना क्षेत्र के बीच बाजार का है, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मैनेजर ऑफिस में पहुंचे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर मैनेजर राजेश तिवारी के ऊपर हथियार तान दिया और ऑफिस में रखे लगभग 10,53,000 रुपए लूट कर चलते बने। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों के मिले जानकारी के बाद बदमाशों का पीछा किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी हुआ, भारत फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर के पद पे हैं। सुबह जो है अचानक से दो आदमी ब्रांच में प्रवेश कर गए और हथियार के बल पे कनपट्टी पर बंदूक सटा दी और जबरदस्ती जो है यहाँ से 10,53,425 रुपया लूट के भाग गए। और अधिक जानकारी के लिए मोतिहारी से संवाददाता अमित जुड़ चुके। अमित, कब और कैसे भारत फाइनेंस कंपनी से लूट की वारदात को अंजाम दिया, क्या है क्या जानकारी? कृपया बता दूं कि ये लगभग 7 से 8 बजे सुबह के बीच की घटना है और थाना क्षेत्र से घोड़ासहन थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर की ये घटना है। यहाँ भारत फाइनेंस कंपनी के एक ऑफिस चलता था और उसी ऑफिस में उपभोक्ता अपना पैसा जमा कराते थे। सुबह सुबह बैंक के कर्मी और मैनेजर दोनों सभी लोग पहुंचे थे कार्यालय में और कुछ लोग अपना कार्यालय का काम करके फील्ड वर्क करने निकल गए थे, मैनेजर वहीं पे थे। इसी बीच पहले से घात लगाए कुछ हथियारबंद अपराधी कार्यालय में धावा दिए और उसके बाद मैनेजर के सर पे हथियार तान कर और करीब अमित, किस तरीके से जांच पड़ताल चोरे कितों के संख्या पर अपराधी थे जिन्होंने सलूट की वारदात को अंजाम दिया है? बता दूं कि घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद सीसीटीवी पुलिस ने फुटेज को पुलिस ने खंगाली और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज में जो जिस रास्ते से अपराधी निकले थे लूट के इनकी घटना को अंजाम देने के बाद उस रास्ते में भी पुलिस ने पीछा किया लेकिन पुलिस खाली हाथ वैरन लौट आई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस का कहना है कि अपराधियों की चिन्हित कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित आपका।